हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज है थर्सडे आफ्टरनून और मैं बना रही हूँ साग. रखा था तो मैं थोड़ा सा साग है इसको छोक लगा रही हूँ अभी, और फिर बनाऊंगी मक्के की रोटी एंड जो है बथुए का रायता. तो ये है आज का लंच. तो चलो फटाफट से मैं कर लेती हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा लहसुन ले लिया है और अदरक लूंगी और हरी मिर्ची, तो उसका पेस्ट बनाऊंगी. तो ये है मेरे पास. तो इसमें जो होता है ना अदरक लहसुन होता है वो थोड़ा ज्यादा डलता है, तो ज्यादा नहीं है, है तो थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले मैं बना चुकी हूँ तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था. फटाफट से बनाया था मॉर्निंग में, तो अब भी बना रही हूँ. तो मैं इसमें लहसुन और अदरक हो गई है मेरी, और इसके अकॉर्डिंग 5-1 मिर्च डाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तीखा पसंद हो, मतलब जो होता है ना ये साग थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है, लहसुन का टेस्ट हो इसमें और थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो तो ये अच्छा लगता है. तो इसका पेस्ट बना रहे हैं. ये हो गया, तो इनको मैं पीस लेती हूँ फटाफट से. गरम हो गया, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा और उसके साथ में है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट. तो जो लहसुन होता है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है, तो इसलिए इसमें लहसुन मैंने ज़्यादा मात्रा में डाला है, तभी इसका जो टेस्ट है वो आता है. तो यहाँ पे जब अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे. बट उससे पहले मैं जो मेरा बथुआ था जिसको बॉयल करके मैंने रखा हुआ था उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे. तो जो इसका जो बथुआ होता है, इसका रायता होता है ना, उसमें भी आपको लहसुन और हरी मिर्ची डालनी चाहिए क्योंकि उसी से इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस होता है. तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और उधर जो हमारा रेडी किया था हमने लहसुन अदरक वो हो गया है. अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे. अगर क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी साग की तो आप दो प्याज डाल लीजिएगा. तो मैंने यहाँ पे एक बारीक चॉप किया हुआ जो अनियन है वो इसके अंदर डाल दिया है और अब अच्छे से इसको हम भून लेंगे. तो जो मेन थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है ना वो सेम नॉर्मल जो सब्जी होती है उसी की तरह होता है, बट जैसे कि इसमें जो लहसुन है वो ज़्यादा पड़ता है तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हरी मिर्ची भी ज़्यादा जाती है तभी ये अच्छा लगता है. उसके बाद मैंने इसमें दो टमाटर है वो मैंने ग्राइंड करके अच्छे से वो डाल दिए हैं. तो सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरे को इसी तरह से बना हुआ साग पसंद आता है. मम्मी ऐसे ही बनाती थी और मुझे उनके हाथ का जो साग है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, और ये बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा टेस्ट मुझे चाहिए होता है, और विनोद को भी, मेरे घर में सबको ये पसंद आता है तो हम इसी तरह से बनाते हैं. उसके बाद मैंने इस पेस्ट में डाल दिया है नमक, और नमक डाल के मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूँगी जब तक कि 2-3 मिनट के लिए. तब तक मैंने क्या किया है, आधा कटोरी दही में, जो लस्सी टाइप की जो दही होती है पतली सी, उसमें 1 चम्मच मक्की का आटा डाल दिया है. आप ये नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी अवेलेबल है वही लीजिए. तो अब इसमें मैं इस मक्की के आटे का पेस्ट बना लूँगी अच्छे से, और उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा टमाटर हमने डाले थे उसमें हम अब डाल देंगे जो धनिया पाउडर है वो डाल देंगे. धनिया पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूँगी मैं, और एक कैमरा लेती है तो इसलिए थोड़ा सा गिर रहा है कैमरा मेरे हाथ में इसीलिए. अब इसको हम मिक्स कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें जो इसको थोड़ी सी देर मतलब पकाएंगे, अराउंड 1 मिनट हम इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद इसमें जो क्या डालते हैं हम गरम मसाला है वो डाल देंगे, और फिर इसको हम 1 मिनट के आसपास इसको भून लेंगे. और जब ये हमारा अच्छे से भून जाएगा, जैसे जो मसाला छोड़ता है ना, तेल छोड़ता है मसाला, उतना हमें इसको कर लेना है, उसी तरह से पकाना है इसको. बस पकाने का जो प्रोसेस होता है ना वही एक चीज़ होती है, अगर आपने कच्चा रख दिया तो फिर उसमें कच्चा टेस्ट आता है, इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बिल्कुल धीमी आँच पे.
तो यहाँ पे जो साग था उसको ऑलरेडी मैंने पीस के रखा हुआ था, अब मैं उसको इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करके हम छोड़ देंगे। मतलब इस जैसे देखिए थोड़ा लग रहा था लेकिन अब इसका जो ग्रीन कलर है वो आ गया। हाँ, इसमें हल्दी नहीं डालनी है। अब जो मक्के का आटे का पेस्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल दूँगी और उस कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल के भी हिला के, क्योंकि लगा हुआ है आटा आसपास, तो वो इस तरह से हिला के वो भी डाल दूँगी और फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करके, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको और फिर 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हर एक प्रोसेस में हमें इसको अच्छे से पकाना होता है, क्योंकि देखिए जो आटा है वो भी कच्चा है और इसको जब तक आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो इसका साग का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मीनवाइल हम कर लेते हैं अपना रायता रेडी। तो यहाँ पे जो दही की लस्सी मैंने बना ली है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं ज़्यादा गाढ़ी नहीं, तो वही एक हाथ से काम कर रही हूँ तो इधर उधर हो रहा है। तो ये जो पेस्ट मैंने बनाया था बथुए का उसको अब मैं इसमें डाल लूँगी। फिलहाल मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है और ये बथुए का पेस्ट इसके अंदर डाल के कैमरा नीरव ने ले लिया है और मेरी हेल्प कर रहा है। मैं इस ड्राई के थ्रू जिससे मथते हैं इससे इसको सारे को अच्छे से मथ लूँगी, तो बहुत ही अच्छे से ये इसके अंदर मतलब जो मथा जाता है एकदम घुट जाता है ये। तो इस तरह से आपको ये रायता जो बनाना होता है और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, आप इससे थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं एज यू विश। तो थोड़ी सी मिर्ची कम लग रही थी तो हमने चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं, थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं जो क्या है जीरा पाउडर है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके इस तरह से, नीरव ने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा तो वो आ गया है, तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए 5 से 7 मिनट यहाँ पे हमारा जो साग था वो पक चुका है और अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नियर अबाउट 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। अभी मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी आपको, उतनी होनी चाहिए ना ज़्यादा ना कम। तो इस तरह से ये पानी डाल के भी फिर हम इसको 5 से 7 मिनट, देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी होगी और फिर अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो जैसे पकाएंगे तो ये जो साग है वो घुटता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा हमारा, तो ये प्रोसेस होता है इसका। अब बस इसको हमें पकाना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये रायता मेरा ये था, इसमें मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और ये जो हमारा है वो डन हो जाएगा। बस जरा सा डालना है और ये बहुत अच्छा बनता है। तो अब सारी चीज़ें रेडी हो गई है, आटा भी कर लेते हैं। तो आटे में मैंने क्या किया, हाफ नॉर्मल और हाफ मक्के का आटा लेके उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल के और अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं। तो जो मेरी पूरी थाली बनेगी आज वो हरी थाली होगी, अकॉर्डिंग टू विंटर परफेक्ट एक थाली, लंच के लिए डिनर के लिए जैसे आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मेथी है, ये जो मेथी मैंने पीस के रख दी थी ये मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसमें मेथी था, धनिया था, धनिया और थोड़ा सा जीरा, नमक का, हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक, ये सब पीस के मैंने रख लिया। तो इस तरह से आप मेथी की रोटी बना सकते हैं। तो बस अब इसको मैं गूंथ लूँगी। परफेक्ट ग्रीन थाली है फॉर विंटर वो रेडी हो गई है। बथुए का रायता, हरा साग, हरी रोटी, मेथी की रोटी, गुड़ और थोड़ा सा हमने लिया है अनियन। तो ये हो गई है परफेक्ट थाली रेडी। इसको बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा है, हमें तो मज़ा आ गया यार खा करके। और यहाँ पे विनोद अभी आए थे, मंडे को गए थे और आज थर्सडे को आए हैं, तो परी सरप्राइज परी को सरप्राइज मिला और ये देखिए प्यार प्यार, क्योंकि नीरू तो पहले प्यार कर चुका है, नीरू पहले विनोद काफ़ी देर से आए हुए हैं, 15-20 मिनट हो गई थी, तो नीरू ने भी ऐसे ही गले लग के अपना प्यार किया था, इतने दिन बाद मिले हैं और परी तो बिल्कुल ही बस मतलब वो ना पगला जाती है तेरे उसमें, उसको समझ में ही नहीं आता कि कैसे एक्सप्रेस करना है प्यार को, बिल्कुल हग करके टाइटली और बस पूछ रहे हैं, बता रही अभी नीरू को कि नीरू पापा आ गए हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना जो दोपहर का क्लीनिंग रूटीन है वो भी शेयर कर लेती हूँ। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि अभी जो मेरा आटा है वो बच गया है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही गूंद के रखा था, ये एक बार में गूंद के रख लिया और इसकी रोटी मैं बनाती रहूँगी।
तो इसको थोड़ा सा घी लगा करके और दूसरे बर्तन में मैं ढक के निकाल के रख दूंगी। इससे जो आटा है वो आपका अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा और जो आपका किचन है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने दोपहर का जो किचन क्लीनिंग है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले तो बस जो आटा है उसको इस तरह से घी लगा के रख दिया है। इससे होता क्या है, जो पपड़ी है ना वो नहीं आएगी आटे के ऊपर, और इसको ढक करके इसके साइज़ के अकॉर्डिंग रख लो तो थोड़ा स्पेस भी कम लगता है। अगर मैं जैसे इसी बर्तन में अगर इसको रहने देती तो काफ़ी बड़ा बर्तन था, लेकिन अगर मैं इसको छोटे में ट्रांसफ़र करती हूँ तो थोड़ा स्पेस भी सेव हो जाएगा और इस पर घी लगाने से मुलायम भी रहेगा और पपड़े भी नहीं आएंगे, तो कई काम है वो आपके एक साथ हो जाते हैं। इसी तरह से जो बाकी सारा काम है दोपहर का वो मैं निपटा लूँगी, अपने जो किचन क्लीनिंग है वो सारा मैं कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करती हूँ। मैंने क्या किया, जो लहसुन था ना वो मैंने एक साथ मैंने छील के रख लिया है, अभी मैं पेस्ट बना के नहीं रख रही। तो मैंने कल ये सारा जो लहसुन था वो छील लिया, अब मैं इसको एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहे तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, वो जब बनाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में निकाल के रख दूँगी और जो बाकी और सामान है जो अभी आया है खाने पीने का वो भी मैं निकाल के और उसको भी उनके जगह पर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरा दोपहर का किचन क्लीनिंग का काम है वो हो चुका है सारा, और बस मैंने जो बर्तन वगैरह वो भी वॉश कर दिया, पूरा चकाचक हो चुका है। तो कुछ इस तरह से था मेरा आज का आफ्टरनून। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।